हेलो एवरीवन, ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स पार्ट 3 है। हम बात कर रहे थे रिवर्स कैसे क्रिएट करते हैं लैंडफॉर्म्स। तो हमने देखा लोअर स्टेजेस पे आके क्या होता है, डेल्टास क्रिएट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, रिवर जब हाई स्टेजेस पे ही होता है, मतलब अपर कोर्स में ही होता है, उसको कुछ ऐसे रॉक्स मिल जाएंगे, हार्ड रॉक्स, जिसको कि वो तोड़ नहीं पाएगा। उसको बोलते हैं बेड लोड। तो बेड लोड को जब वो तोड़ नहीं पाएगा तो वो उसके ऊपर से जाएगा और इसके कारण क्रिएट होता है वाटरफॉल्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर उससे ही रिलेटेड होता है पॉट होल्स और प्लंज पूल्स। मैं बाद में इस पर और वीडियोस बना दूंगा। अभी एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, डेल्टा और एस्चुरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में रिवर और सी का संगम हो रहा है। जब रिवर ज़्यादा डोमिनेंट होता है, वो अपने सेडिमेंट्स जाके डिपॉजिट करेगा सी में, तब डेल्टा बनता है। जब सी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा और वो जाके मिक्स करेगा रिवर्स के अंदर, तो एस्चुरी बनता है। और ऐसे रीजन्स बहुत सेलाइन होते हैं, गुजरात के कोस्ट आप देख लीजिएगा, वो बहुत सेलाइन होंगे एंड दे आर नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, डोमिनेशन का गेम है, लड़का और लड़की दोनों में कौन डोमिनेंट है ज़्यादा, हर रिलेशनशिप में वैरी करता है। डेल्टा एस्चुरी को आप ऐसे याद रख सकते हैं।